हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों आज की वीडियो में कुछ खास है। जी हाँ दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी के प्यार और सपोर्ट के बाद आप तक पहुंच पाई है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया भर के मशहूर ब्रांड्स की वाइन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट टू देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों हमें पूरा यकीन है इस वीडियो पर भी आप हमें उतना ही प्यार देंगे जितना कि आप सभी ने हमारी वाइन और विस्की वाली वीडियोस को दिया है। आपसे गुजारिश है कि हमारी इस कड़ी मेहनत से बनी वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर से कर लें, जिससे कि आप आने वाले मजेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन पा सकते हैं बिल्कुल फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। दोस्तों नंबर एक पर है वॉलनी वाइन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों वॉलनी कंपनी की ओर से आने वाली ये वाइन एक विदेशी वाइन है। दरअसल इस वाइन को यूके स्थित वॉलनी वाइन स्टेट में बनाया जाता है। इस वाइन की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस वाइन को पीने वाले लोग पूरी दुनिया में 160 अलग अलग देशों में रहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं वॉलनी वाइन की इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। इस प्रोसीडर की शुरुआत वॉलनी स्टेट के अंगूर के बागों से होती है। यहाँ रेड और व्हाइट दोनों ही तरह की वाइन्स को बनाने के लिए दो किस्म के ग्रेप्स यानी कि अंगूर उगाए जाते हैं। सबसे पहले सभी अंगूरों को एक हार्वेस्टिंग मशीन के जरिए पौधों से अलग करके ढेर सारी बकेट में भर लिया जाता है। उसके बाद इन बकेट में रखे सभी अंगूरों को इस जूसिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहां ये इन सभी अंगूरों का रस निकाल कर फर्मेंटिंग कंपार्टमेंट में रखे स्टील टैंक में भर देते हैं। अब बारी आती है वाइन मेकिंग के सबसे क्रिटिकल स्टेप की। दरअसल यही स्टेप डिसाइड करता है कि आपकी वाइन कितनी अच्छी बनेगी। जी हाँ आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं इस ग्रेप्स जूस के फर्मेंटेशन की। सबसे पहले इन स्टील टैंक में रखे जूस में एक निश्चित मात्रा में ईस्ट यानी कि खमीर डाला जाता है, जो कि इस ग्रेप्स जूस में प्रेजेंट स्टार्च को मिनिमाइज कर देती है। अब अगले 3 हफ्तों तक इसे बेहद ही सावधानी से हीट किया जाता है। जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, जिसके बाद फाइनली जूस फर्मेंट हो जाती है। इसके बाद इस फर्मेंटेड जूस को स्टील टैंक से बाहर एक दूसरे कंटेनर में निकाला जाता है, जहाँ इसका इंस्पेक्शन किया जाता है। एक्चुअली दोस्तों जितना ज्यादा किसी वाइन में शुगर लेवल होगा उतना ही कम अल्कोहल होगा। वेल, एक अच्छी वाइन बनाने के लिए इन दोनों ही चीजों का बिल्कुल बैलेंस्ड होना बेहद ही जरूरी है। इंस्पेक्शन के सभी फेजेस को पास करने के बाद फाइनली अब इसे कुछ महीनों तक एज किया जाता है। उसके बाद इसे इन चमचमाती कांच की बोतलों में भरकर कॉक्स लगा दिया जाता है और फाइनली ये वाइन बाजार में बिकने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। इनफैक्ट दोस्तों इस वाइन की एक बोतल की कीमत की बात करें तो वो आपको मार्केट में 7,200 रुपए के लगभग मिल ही जाएगी। अगर आपका मन है तो अवश्य ही आप इसका एक पैग लगा सकते हैं। दोस्तों नंबर 2 पर है ग्लेनफिड्ज विस्की इंडस्ट्रियल मेकिंग। दोस्तों दरअसल ये विस्की स्कॉटलैंड की एक बहुत मशहूर विस्की है, इसे दुनिया भर में पसंद किया जाता है। इस विस्की को स्कॉटलैंड स्थित द ग्लेनफिड्ज डिस्टिलरी में बनाया जाता है। दरअसल इस विस्की का एकमात्र मेन इंग्रेडिएंट्स माल्टेड वार्ली यानी कि जो है। इस प्रोसीडर की शुरुआत वार्ली से की जाती है। सबसे पहले ढेर सारे जौ को एक बड़े पानी में भरे कंटेनर में डाला जाता है, वहाँ इसे 2 दिन तक सॉक किया जाता है। 2 दिन बीत जाने पर इस कंटेनर को 64 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हीट किया जाता है। अच्छी तरह गर्म हो जाने पर इस सॉल्यूशन में लिक्विड ईस्ट ऐड किया जाता है। कुछ देर बाद एक वर्कर एक लंबे ग्लास वास्क में सॉल्यूशन का सैंपल निकालता है। इस सैंपल को हाइड्रोमीटर से टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में वार्ली वाटर सॉल्यूशन में अल्कोहल की मात्रा को परखा जाता है।
सभी इंस्पेक्शन में पास हो जाने के बाद स्टील बेंच के जरिए पूरे लिक्विड को प्रिपेयरिंग कंपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, जहां अब इन सुराही से दिखने वाले बड़े बड़े कॉपर फनल में इनको डाला जाता है, जहां इन्हें अब ब्लेंडिंग के लिए ले जाया जाता है। ये फैक्ट्री पूरी तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती है और इस मशीन के प्रत्येक पार्ट को कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल किया जाता है। वेल दोस्तों, अब वार्ली वाटर सॉल्यूशन में विस्की के टेस्ट को बढ़ाने के लिए फाइनली लिक्विड फ्लेवर ऐड किया जाता है, जो कि विस्की को एक शानदार अरोमा और टेस्ट देता है। फाइनली सब कुछ तैयार हो जाने पर इस विस्की को 20-20 लीटर के कंटेनर में भरकर एगिंग गोडाउन में रख दिया जाता है, जहां इन्हें अगले 3-18 सालों तक रखा जाता है एज के लिए। ऐसा करने से शराब का जायका और अरोमा कई गुना तक बढ़ जाता है। लंबे समय तक एज करने के बाद फाइनली इन्हें बेहद ही सावधानी से इन कंटेनर से निकाल कर रिटेल पैकेजिंग के लिए फाइनली बोतलों में भर दिया जाता है। आमतौर पर एज्ड विस्की बेहद ही महंगी होती है। ग्लेनफिड्स की ओर से आने वाली 18 ईयर एज्ड इस विस्की की कीमत की अगर हम बात करें तो दोस्तों इस विस्की की तकरीबन कीमत भारतीय रुपये में 5,000 रुपए है। दोस्तों नंबर 3 पर है वॉरवॉन विस्की। हमारी लिस्ट में तीसरे स्थान पर एक अमेरिकी विस्की है। दरअसल यह है मेकर्स मार्क की ओर से आने वाली वॉरवॉन विस्की है। यह विस्की अपने आप में ही बहुत लोकप्रिय विस्की है। हिंदुस्तान में खास तौर पर इस विस्की को चाहने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। आमतौर पर अमेरिका के कई हिस्सों में इस विस्की को तैयार किया जाता है, पर वहीं केंटुकी नामक इस जगह में बनी विस्की की कुछ और ही बात है, क्योंकि दोस्तों इस विस्की में अल्कोहल के साथ ही एक हिस्टोरिकल एसेंस भी मिला होता है। आइए अब हम देखते हैं आखिर कैसे इस वॉरवॉन विस्की को बनाया जाता है। इस विस्की के मुख्य इंग्रेडिएंट 3 अलग अलग तरह के ग्रेन्स यानी कि अनाज है, जिसमें कि कॉर्न यानी कि मक्का प्रमुख है। टोटल ग्रेन्स मिक्स का 50% से भी ज्यादा मक्का इसमें मौजूद है। जी हाँ, विस्की बनाने की शुरुआत एक स्टेनर से होती है, जहाँ ग्रेन्स में से इम्प्योरिटीज को छान कर अलग कर लिया जाता है। साफ हो जाने पर सभी अनाजों को एक क्रशिंग मशीन में डाला जाता है, जहाँ इन सभी ग्रेन्स को क्रश करके इनका भुरभुरा पाउडर तैयार कर लिया जाता है। इस तरह के क्रश करने से ग्रेन्स में मौजूद पूरा स्टार्च अच्छी तरह मिल जाता है। अब बने हुए पाउडर को एक बड़े ब्लेंडिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहां केंटुकी वाटर के साथ इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया जाता है। लगातार 5 मिनट तक ब्लेंड होने के बाद कंटेनर के ठीक ऊपर लगे एक पाइप से सॉल्यूशन में ईस्ट फॉर्मुलेशन ऐड किया जाता है, जिससे कि इस सॉल्यूशन को फर्मेंट करके इसमें अल्कोहल को बनाया जाता है। 8-10 घंटों के बाद ईस्ट अपना जादू दिखा देता है। अब हमारा सॉल्यूशन एक बबली स्लाइम में तब्दील हो जाता है। अब फाइनली इस सॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्सपोज करके इसमें से बबल्स को खत्म कर दिया जाता है और फाइनली फर्मेंटेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जिससे अब हमारा अल्कोहल तैयार हो जाता है। इसके बाद तैयार हुए लिक्विड को डिस्टिलाइज्ड करके इंस्पेक्शन के लिए इसका सैंपल ले लिया जाता है। वेल दोस्तों, डिस्टिलाइज्ड की हुई इस विस्की का रंग खत्म हो जाता है और ये पानी की तरह कलरलेस हो जाती है। वह दूसरी ओर लैब में तमाम सारे मापदंडों पर इस विस्की का टेस्ट किया जाता है। फाइनल टेस्ट में पास हो जाने पर इसको एगिंग कंटेनर में भर दिया जाता है, जिन्हें आगे चलकर 6-20 साल के लंबे समय तक एग किया जाता है, जिससे विस्की की गुणवत्ता में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। दोस्तों नंबर 4 पर है आप सबकी जानी पहचानी जैक डेनियल विस्की। दोस्तों यहाँ मौजूद जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जो इस ब्रांड के बारे में ना जानता हो, जैक डेनियल।
जी हाँ, जैक डेनियल्स एक अमेरिकन विस्की ब्रांड है। इस कंपनी की विस्की को दुनिया भर के 140 से अधिक देशों में पसंद किया जाता है। जैक डेनियल्स विस्की की सबसे बड़ी खास बात इसकी स्ट्रांगनेस और इसे पीने की रॉयल फीलिंग है। इसीलिए तो चाहे न्यू ईयर हो या किसी की शादी, सभी की पहली पसंद जैक डेनियल्स ही होती है। तो आइए अब हम देखते हैं आखिर कैसे बनती है जैक डेनियल्स विस्की। आमतौर पर सभी विस्कीज ग्रेन्स यानी अनाज से ही बनाई जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है ब्रांड टू ब्रांड अलग अलग तरह के ग्रेन्स यूज किए जाते हैं। वेल दोस्तों, जैक डेनियल की विस्की बनाने के लिए फिनेस्ट कॉर्न, राई और वार्ली मॉल्ट यानी जौ का इस्तेमाल किया जाता है। विस्की बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत एक बड़े मेटल टैंक से होती है जहाँ तीनों ही प्रकार के ग्रेन्स को डाला जाता है। इस टैंक में लगे क्रशर ग्रेन्स को फ्लोर यानी कि आटे में बदल लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अब नए तैयार हुए फाइन पाउडर में स्प्रिंग वाटर ऐड किया जाता है, जिसके बाद इसमें ईस्ट पाउडर ऐड किया जाता है। ईस्ट ऐड करने के बाद कुछ समय के अंतराल में इसे कंप्यूटर के जरिए परखा जाता है। अब पूरे 3 घंटे बीत चुके होते हैं। फाइनली अब उस कंटेनर की लीड को ओपन किया जाता है और हमारे सामने एक बबली फर्मेंटेड पेस्ट तैयार होता है। और अभी जो आप इस पेस्ट को उबलता देख रहे हैं, ये हीट के कारण नहीं बल्कि ईस्ट के एक्शन की वजह से हो रहा है। अब बारी आती है विस्की मेकिंग के एक कंप्लीटेड स्टेज की। जी हाँ दोस्तों, अब बारी है डिस्टिलेशन की। दरअसल इस प्रक्रिया में सॉल्यूशन में स्टार्च और अल्कोहल अलग अलग कर दिया जाता है ताकि विस्की को और भी नशीला बनाया जा सके। डिस्टिलेशन की इस प्रोसेस में इस लिक्विड को इतना हीट किया जाता है कि इसमें मौजूद पानी और एक्चुअल अल्कोहल अलग अलग हो जाता है। फाइनली वेपोराइज्ड अल्कोहल को ठंडा करके दोबारा लिक्विड स्टेज में ले जाया जाता है, जिसके बाद इन्हें वुडन कंटेनर में भरकर गोडाउन में सही तापमान पर एगिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। और ऐसे आप सभी की बेहतरीन जैक डेनियल की ओर से आने वाली प्रीमियम विस्की तैयार हो जाती है, जिसको बोतलों में भरकर आप तक पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देख सकें बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय।